हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम जानेंगे नेक्स्ट मनी के द्वारा ऐड मनी कैसे करना है, जो नए अपडेट आए हुए हैं। नए अपडेट के द्वारा जिसमें न्यू गेटवे ऐड हुआ है, तो आइए सबसे पहले हम ओपन करते हैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन। तो ये है नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन, इसमें आपको क्लिक करना है वॉलेट के ऑप्शन पर। वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन बीच में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्लिक करते हैं ऐड मनी पर। ऐड मनी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डाल देना है अमाउंट, जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं। तो हमें 1500 रुपीज़ ऐड करना है, हमने ऐड कर दिया। अमाउंट डाल करके ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है, फ्री चार्ज एंड ओपन गेटवे। फ्री चार्ज पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप जिससे भी ऐड करना चाहते हैं, UPI, डेबिट कार्ड, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, या नेट बैंकिंग। तो सबसे आसान तरीका जो है वो है UPI का। तो मेरा ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट UPI ऑप्शन सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे डालेंगे UPI। अब UPI में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक एज GPay यानी गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम। तो आइए हम फ़ोनपे से ऐड करते हैं। फ़ोनपे का जो UPI ID होता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका मोबाइल नंबर होता है। तो मोबाइल नंबर हम डाल लेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद आप लास्ट में @YBL लगाएंगे, लास्ट में @YBL, ये आपका फ़ोनपे का UPI हो गया। उसके बाद आप वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई क्लिक करते ही आपका ये पेमेंट गेटवे वेरीफाई हो गया, और आप फाइनली पे पर क्लिक करेंगे। पे पर जब क्लिक करेंगे तो ये नोटिफिकेशन आपके फ़ोनपे के एप्लीकेशन पे चला गया, और यहाँ पे टाइमर रन कर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइमर रन कर रहा है, यानी कि 5 मिनट का समय आपको मिला है। अब ये फ़ोनपे पे नोटिफिकेशन जा चुका है, तो हम यहाँ पे करेंगे इसको मिनिमाइज़, और हम अब खोल लेते हैं फ़ोनपे एप्लीकेशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोनपे एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन मिल चुका है। ये नोटिफिकेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पे लेटर और डिश लाइन, ये ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको पे पर क्लिक करना है। अगर आप पे नहीं करना है आपको, तो डिसलाइन पे आप क्लिक कर सकते हैं। पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। सेंड क्लिक करते ही आपका फाइनली ट्रांजेक्शन पिन मांगेगा, 4 डिजिट का होता है। ट्रांजेक्शन पिन डालिए और ओके कर दीजिए। ये यहाँ से पेमेंट हो गया सक्सेसफुल, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सेकेंड आपको वेट करना है, जिससे कि मैसेज आ जाए। आपको भी पता है ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस है। थोड़ा सा कुछ सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दीजिए, उसके बाद आप चलिए नेक्स्ट मनी के पोर्टल पे, जहाँ पे आप ऐड मनी प्रोसेस किए हुए थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन सेकेंड 1500 रुपीज़ हमारे वॉलेट में ऐड हो चुका है। तो दोस्तों, आप इस प्रोसेस के द्वारा आप आसानी से फ्री चार्ज गेटवे का यूज़ करके आप ऐड मनी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जानकारी के लिए आप अपनी टीम में इसका हेल्प ले सकते हैं। तो अगर आप अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलें। सो थैंक यू।